आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किस तरीके से आप अपने बालों को काला, लंबा, घना, सिल्की, शाइनी, स्मूथ कर सकते हैं, दो मुंहे बालों की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, दो मुंहे हो चुके हैं, बालों में शाइनिंग नहीं है और भर भर के हेयर फॉल हो रहा है, तब भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपके झाड़ू जैसे रूखे सूखे बेजान बालों में भी जान डाल सकती है। और आपकी अगर हेयर फॉल कुछ इस कदर तक हो गया है कि बिल्कुल पैचेस दिखाई देने लगे हैं, जो आपके स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, बाल एकदम निकल रहे हैं, जड़ों से झड़ रहे हैं और आप हर ट्रीटमेंट करके परेशान हो चुके हैं, तो आज जो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। उससे पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए हम बताते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी में और उसमें आपको करीब एक गिलास के पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने यहाँ पर फिल्टर वाटर यूज़ किया है। अब हम इसमें एक प्याज का छिलका ऐड करेंगे और पूरी एक प्याज जो हमने बारीक कट की हुई थी पतले स्लाइसेस में उसे ले लेना है। प्याज जो होता है बालों को चमकदार घना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्याज में सल्फर की भरपूर मात्रा होती है जो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इससे नए बालों को उगने में मदद मिलती है और बालों में वॉल्यूम भी ऐड करता है। सेकेंड जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है राइस, चावल आप जो घर में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। ये आपके बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ, दो मुँह बालों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हमने यहाँ पे मेथी दाना यूज़ किया है। एक चम्मच के करीब आप मेथी दाना ऐड कर दीजिए इसमें। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जो मेथी दाना होता है वो गर्म होता है, गर्मियों में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अब जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है 2-3 मिनट तक, तब हमने यहाँ पर एक चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। कॉफ़ी पाउडर आप जो भी यूज़ करते हैं घर में कॉफ़ी पीने के लिए वो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे आराम से बॉईल होने देना है। कम से कम आपको इसे 15 से 20 मिनट तक बॉईल होने देना है। आपको तब तक इसे बॉईल करना है जब तक ये जो चावल है ना बिल्कुल कुक ना हो जाए। जैसे कि आप चावल बनाते हैं घर में तो चावल पक जाते हैं, वैसे ही इसमें चावल और मेथी दाना और प्याज वगैरह जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से पक जानी चाहिए, तभी एक बेस्ट सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। और इस रेमेडी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि ये रेमेडी इतना अच्छा रिज़ल्ट देगी आपको, बस आपको ये ज़रूर करना है कि इसे बनाना होगा और लगाना होगा। केवल वीडियो देख के खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि केवल वीडियो ही देखते हैं और खुश हो जाते हैं और सोचते हैं वीडियो देख के रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है जी। आपको रेमेडी को तैयार करना होगा और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि चावल जो है पूरी तरीके से पक ना जाए। और देखेंगे आपके जब ये चावल पक जाएंगे ना तो ये पूरी तरीके से काले हो जाएंगे, जैसे कि अभी ये पके नहीं है और ये पानी जो है पूरा काला हो चुका है। तो हमें इसे तब तक पकाते रहना है जब तक कि ये जो इंग्रेडिएंट है वो सारे के सारे एकदम काले ना पड़ जाए और अच्छी तरीके से पक ना जाए। और एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाता है, आपके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके बालों को बढ़ाने में 4 गुना तेज़ी से आपकी मदद करेगा। और ये आपके गंजे सर पे भी बाल उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको इसे रेगुलर यूज़ भी करना होगा। वीक में आपको कम से कम इसे 2 से 3 बार यूज़ करना है जब भी आप शैम्पू करने वाले हों, जिस दिन उस दिन इस रेमेडी को आपको बना के लगाना है। तो ये देख सकते हैं अभी हमने गैस के फ्लेम को एकदम बंद कर दिया और उसके बाद इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसकी जो इंग्रेडिएंट हैं वो पानी है, सब कुछ एकदम ब्लैक हो चुका है, आप देख रहे होंगे, और ये चावल भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं इस टाइम। और जब आप इस तरीके से चावलों का पेस्ट बनाते हैं, हेयर मास्क बनाते हैं, तो आपको निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है हेयर वॉश करते समय। और इससे हमने मिक्सर में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है, यानी कि अब एक बेस्ट डाई की तरह ही बन के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही बारीक तरीके से पीसा था और इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर का पेस्ट बन गया है। इससे ज़्यादा ये नहीं पीस सकता, अगर आपके मिक्सर में बहुत ज़्यादा दम है तभी इससे ज़्यादा
ये पिस सकता है। अभी इसे आपको अपने बालों में कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताती हूँ। हालांकि जो मैंने वीडियो पूरा बनाया था वो पता नहीं डिलीट हो गया या बना नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे जो आधा वीडियो है, हालांकि यही रेमेडी मैंने अप्लाई की है, लेकिन इसका पूरा वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि पता नहीं शायद डिलीट हो गया मेरे से ही गलती से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया था इस रेमेडी को, और उसके बाद अच्छे तरीके से एक जूड़ा बना लीजिए। और कम से कम आपको इसे 1 से 2 घंटे तक लगाकर रखना है, और इससे कम भी चाहे तो आप लगाकर रख सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटे तो आपको इसे लगाकर रखना ही होगा, तभी आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं इस रेमेडी को पहले एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था, तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद आप इस तरीके से शावर कैप पहन सकते हैं, और उसके बाद अपना जो भी काम है वो कीजिए, और उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। नॉर्मल पहले हेयर वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से, और उसके बाद शैम्पू से बालों को साफ़ कर लीजिए, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इस रेमेडी को यूज़ करने का। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।